Hello everyone, I am Vikas here. As you know, in the upcoming video session, we will try to complete the whole developmental biology, which is very important unit for GSIR-Net, GATE or for any other intense exam. I will recommend you to study book of Gilbert for this unit. Till we have completed basics of developmental biology, eye formation in vertebrates, vulva formation in C. elegans, fertilization in sea urchin, fertilization in mammals, basics of cleavage and gastrulation. You can watch the video related to this topic in the video section of the channel. Link for the book of Gilbert is provided in the description box. Today, we will discuss about generation of dorsal ventral axis in dorsophila. In the previous video, we talked about anterior posterior axis in dorsophila. You can watch the video from the description box. So, we will learn about dorsal ventral patterning in oocyte, establishing a nuclear dorsal gradient, signaling from follicle cells to oocyte cytoplasm. एंड इन द लास्ट वी विल ट्राई टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेंट्रल पैटर्निंग इन साइट, जो साइट है अंदर किस तरीके वेंट्रल पैटर्न है किस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है डोरसल और वेंट्रल साइड की एज द साइट वॉल्यूम इंक्रीज उलियस इज पुस्ड बाय द ग्रोइंग माइक्रोटिब्यूल टू एन एंटीरियर डोरसल पोजिशन जैसे जैसे ऊ साइट क्या हो रहा है वो इनक्रीज कर रहा है वॉल्यूम में जो ऊ साइट का न्यूक्लियस है उसको क्या है माइक्रोटुल कहाँ पोस्ट कर देते हैं एंटीरियर डोर्सल पोर्शन में जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है जो एंटीरियर डोर्सल पोजिशन है वहाँ पे क्या है किस जो ऊ साइट है वो वहां तक क्या है पहुंच जाता है उसके बाद क्या है हेयर द गुरन मैसेज विच हैड बिन क्रिटिकल इन एस्टाब्लिशिंग एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सीज इनिशिएट द दमेशन ऑफ डोर्सल वेंट्रल एक्सीज अब यहाँ पे क्या है जो गुरकन मैसेज है जो क्या डिसाइड कर रहा है हमने पहले ही पढ़ा है पिछले पार्ट में कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है उसको एस्टेब्लिश करने में डिटरमाइन करने में किसका रोल होता है जो गुरकन मैसेज है उसका रोल होता है तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ डोर्सल वेंट्रल एक्सिस डोरसलवेंट्रल डोर्सल वेंट्रल एक्सिस है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है गुरकन एम एमसेज गुरकन मैसेज द गुरकन एम आर एन ए बिकम लोकलाइज्ड इन ए क्रिसेंट बिटवीन द दू साइड न्यूक्लियस एंड द ऊ साइड सेल मेम्ब्रेन कहाँ पर लोकलाइज हो जाता है ऊ साइड न्यूक्लियस और ओ साइड सेल मेम्ब्रेन के बीच में एंड इट्स प्रोटीन प्रोडक्ट फॉर्म एन एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रेडियंट अलॉन्ग द डोरसल सरफेस ऑफ ओसाइट और ये क्या फॉर्म करेगा प्रोटीन जो फॉर्म कर देगा प्रोटीन का ग्रेडियंट फॉर्म कर देगा एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रेडियंट अलॉन्ग द डोरसल सरफेस कहाँ पे डोरसल साइड पे सिंस इट कैन डिफ्यूज ओनली ए सो डिस्टेंस गुरकन प्रोटीन रीच ओनली दोज पोलिकल सेल क्लोजेस्ट टू द ओसाइट न्यूक्लियस एंड इट सिग्नल दोज सेल टू बिकम द मोर कोलोम डोरसल पोलिकुलर सेल्स जहाँ पे ये लोकेटेड है न्यूक्लियस लोकेटेड है वहीं पे गुरकन प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी और ये गुरकन प्रोटीन क्या है कुछ डिस्टेंस तक ही ट्रेवल कर सकता है तो ये जो उसके आसपास की सेल है न्यूक्लियस के आसपास की सेल है उनको क्या बना देगा किस में कन्वर्ट कर देगा कोलमर डोरसल फोलिकल सेल में कन्वर्ट कर देगा दिस एस्टाब्लिशेज डोरसल पोलैरिटी इन द फोलिकल सेल लेयर दैट्स द ग्रोइंग उन्नी किल पोलिटी इस तरीके से इनिशिएट कर देगा मैटरनल डेफिशियर गुरकन और टोर्पिडो जीन कॉज द वेंट्रलाइजेशन ऑफ एम्ब्रियोर गुरकन इज एक्टिव ओनली इन ऊसाइट वेयर द टोरपीडो इज एक्टिव ओनली इन सोमैटिक पोलिकुलर सेल अब क्या है जो अगर मैटरल मैटरनल जो डेफिशियंस है किसकी या तो गुरकन की या टॉर्पिडो की गुरकन के लिए रिसेप्टर कौन से होते हैं टॉर्पीडो रिसेप्टर्स होते हैं या गुरकन की हो या फिर जो टोरपीडो रिसेप्टर्स हैं उनकी हो इसकी वजह से क्या हो जाएगा वेंट्रलाइजेशन हो जाएगा एम्ब्रियो का यानी पूरा का पूरा एम्ब्रियो उसके अंदर डोरसल वेंट्रल साइड नहीं मिलेगी पूरा का पूरा वेंटलाइज्ड एम्ब्रियो मिलेगा अगर और क्या है जो ये गुरकन है ये कहाँ से कहाँ एक्टिव है ये उस साइड के अंदर और टोरपीडो कहाँ है जो सोमेटिक पोलिकुलर सेल है वहाँ पर मिल रहा है ऊसाइट न्यूक्लियस ट्रैवल टू एंटीरियर डोरसल साइड ऑफ उर इट लोकलाइज गुरकन एमआरएनए। आर साइट न्यूक्लियस ट्रैवल करके एंटीरियर डोरसल साइड पे आ गया उसके बाद क्या है गुरकन एमआरएनए को लोकलाइज करवा देगा गुरकन मैसेज आर ट्रांसलेटेड एमआरएनए का ट्रांसलेशन हो गया गुरकन इज रिसीव्ड बाय द टोरपीडो प्रोटीन ड्यूरिंग द मिड ऊजन रिसीव कौन करेगा जो गुरकन प्रोटीन बनाया हो टॉरपिडो प्रोटीन है जो टॉरपिडो रिसेप्टर्स है वो इसको रिसीव करेंगे सिग्नल्स को गुरकन के जो सिग्नल्स आ रहे हैं टोरपीडो सिग्नल कॉज द फॉलिकल सेल टू डिफ्रेंशिएट ए डोरसल मोरफोलॉजी यानी कि एक इसमें जो जैसे ही गुरकन की फॉर्मेशन हुई डोरफोडोर सेप्टर से बाइंड हुआ तो वहाँ पे डोरसल मोरफोलॉजी इनिशिएट हो गई कैसे हुई जो मिरर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो एक्टिवेट हो गया वो क्या कर देगा जो पाइप प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस को इनिबिट कर देगा कहाँ की बात हो रही है सारी की सारी डोरसल साइड भी बात हो रही है सिंथेसिस ऑफ पाइप इज इन इनिबिटेड इन द डोसल फोलिकल सेल एंड डोरसल सेल्फेट इज स्पेसिफाइड तो इस तरीके से क्या है डोरसलो सेल्फेट है वो स्पेसिफाई हो जाता है कैसे हुआ है जो पहले न्यूक नुकले, न्यूक्लियस की लोकलाइजेशन हो गई एंटीरियर डोरसल साइड पे उसके बाद न्यूक्लियस ने क्या किया गुरकन एम आर एन ए को रिलीज किया गुरकन एम आर एन ए ट्रांसलेट हो गया गुरकन प्रोटीन में गुरकन प्रोटीन के लिए टोरपीडो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जैसे ही टोर्पीडो रिसेप्टर से गुरकन प्रोटीन बाइंड हुआ तो ये क्या करेंगे जो मेरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो एक्टिवेट होगा और वो पाइप प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कर देगा और जैसे ही पाइप प्रोटीन की सिंथेसिस इनिबिट होगी तो वहाँ पे डोर्सल साइड स्पेसिफ़ाई हो जाएगी गुरकन डज नॉट डिफ्यूज टू वेंट्रल साइड वेंट्रल साइड तक गुरकन नहीं जा पाता क्योंकि इसकी लोकेशन कहाँ पे है न्यूक्लियस की डोरसल साइड पर है वेंट्रल फोलिकल सेल सिंथिसाइज पाइप तो वेंट्रल फोलिकल सेल क्या कर लेंगे जैसे डायग्राम में दिखा दिखाई दे रहा है वो पाइप की सिंथेसिस कर लेंगी पाइप प्रोटीन की सिंथिसिस कर लेंगी वेंट्रल सेल डोरसल साइड पर नहीं हो पाई थी इन द वेंट्रल फोलिकल सेल्स पाइप एड सल्फेट ऑन द वेंट्रल मेम्ब्रेन अब क्या होगा जैसे ही सिंथेसाइज होगी पाइप की तो ये सल्फेट ऐड कर देंगी वेंटलाइज विटलाइन मेम्ब्रेन है विटलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर सल्फेट ऐड कर लेंगी सल्फेटेड विटलाइन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज रिकोगोगोगोगोगनाइज बाय द गेस्टोलेसन डेफिशिएंट प्रोटीन जी डी प्रोटीन है इस सल्फेलेटेड सल्फेटेड मेम्ब्रेन को कौन रिकोगनाइज करेगा जी डी प्रोटीन है वो रिकोगनाइज कर लेगा एक्टिवेटेड जी डी एक्टिव स्नैक प्रोटीन एंड एक्टिवेटेड स्नैक क्लीव्स द एस्टर प्रोटीन जो एक्टिवेटेड जी डी है वो क्या करेगा स्नैक प्रोटीन को एक्टिव करेगा एक्टिव कर देगा और स्नेक प्रोटीन क्या करेगा जो एस्टर प्रोटीन है उसको क्लीव कर देगा क्लीव करेगा और उसको एक्टिव बना देगा एक्टिवेटेड एस्ट्रोस्प्लिट द स्पेडजल एक्टिवेटेड स्पेडजल बाइंड टू टोल रिसेप्टर अब जो एस्टर है वो क्या करेगा स्पेडजल को क्लीव करवा देगा और जो एक्टिव स्पेडजल है वो इसके जो रिसेप्टर है टोल रिसेप्टर वहाँ पर बाइंड होएगा टोल एक्टिवेशन एक्टिवेट ट्यूब एंड पहले विच फॉल्स फॉर अब क्या है ट्यूब और पहले का क्या हो जाएगा एक्टिवेशन हो जाएगा ये क्या कर देंगे जो कैक्टस प्रोटीन है उसका फोस्फोराइजेशन करवा देंगे कैक्टस क्या हुझे? हुझे दे। दौर्सल दौर्सल हो जाएगा डिग्रेड हो जाएगा रिलीजिंग इट फ्रॉम फ्रॉमसल डोरसल प्रोटीन को क्या कर देगा फ्री करते हैं डोरसल है? प्रोटीन कहाँ चला जाएगा न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा सबसे पहले क्या हुआ पाइप प्रोटीन ने मेम्ब्रेन के ऊपर जो विटलाइन मेम्ब्रेन है उसके ऊपर सल्फेट ऐड किया इस सल्फेट को रिकॉग्नाइज कौन करेगा जीडी प्रोटीन रिकॉग्नाइज करेगा इस जीडी प्रोटीन से क्या है स्नेक जिसे ही जी डी प्रोटीन बाइंड होगा ये स्नेक को क्या कर देगा एक्टिवेट कर देगा स्नेक प्रोटीन क्या करेगा जैसे डायग्राम में दिख रहा है सब कुछ स्नेक क्या करेगा ईस्टर को क्लीव कर देगा और ईस्टर को क्या कर देगा एक्टिवेट कर देगा जैसे ही ईस्टर एक्टिवेट हुआ वो क्या करेगा स्पैट जेल को क्लीव करवा देगा और उसको एक्टिवेट कर देगा अब स्पैट क्या है जो इसके रिसेप्टर हैं स्प्रेडर यहाँ पे क्या है लिगेंड का काम कर रहा है और जिसका रिसेप्टर टोल रिसेप्टर है उससे जाके क्या हो गया ये बाइंड हो गया टोल रिसेप्टर क्या करेंगे पहले और ट्यूब को एक्टिवेट कर देंगे जैसे ही पहले और ट्यूब का एक्टिवेशन हुआ तो ये क्या करवाएगा कैक्टस का फोस्फोराइजेशन करवा देगा और कैक्टस क्या हो जाएगा डिग्रेड हो जाएगा और जो डोरसल प्रोटीन है वो कहाँ मूव कर जाएगा न्यूक्लियस में मूव कर जाएगा नाम तो डोरसल प्रोटीन है बट वो काम किस में कर रहा है वेंट्रलाइजेशन में हेल्प कर रहा है सारे सारी प्रोसेस वेंट्रल साइड पर हो रही है और वेंट्रल फेट को ही डिटरमाइन कर रहे हैं When dorsal is translated, it is found throughout the embryo, not just on the ventral or dorsal side. How can this protein act as morphogen if it is located everywhere in the embryo? तो जो dorsal है वो वक्त तो हर जगह कर रहा है और कैसे काम करेगा morphogen की काम तरह काम करेगा डोर्सल साइड प्रोटीन इज फाउंड थ्रू आउट द ऑफ अर्ली ब्लास्टर एम्ब्रियो इट इज ट्रांसलोकेटेड इन द न्यूक्आई ओनली इन द वेंट्रल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो इसका ट्रांसलेशन कहाँ पे हो रहा है डोर्सल प्रोटीन का सिर्फ जो वेंट्रल पार्ट है वहीं पे हो रहा है वहीं पे डोर्सल प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है इन द न्यूक्लियस डोर्सल एक्ट एज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग टू सर्टेन जीन टू एक्टिवेट और रिप्रेस द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन है जो ए, किसी जो कहीं ना कहीं ये या तो या रिप्रेस करेगा या फिर क्या है जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसको एक्टिवेट करेगा डोरसल प्रोटीन एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट कर रहा है एस्टेब्लिशिंग ए न्यूक्लियर डोरसल ग्रेडियंट अब क्या है ये जो डो दो, डोरसल न्यूक्लियर ग्रेडियंट है उसको एस्टेब्लिश करेगा जैसे वेंट्रल साइड पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है मेजोडर्म की फॉर्मेशन करवाएगा जहाँ पे सबसे ज्यादा डोरसल प्रोटीन होगा वहाँ मेजोडर्म की फॉर्मेशन होगी और जहाँ पे क्या है सबसे कम होगा वहाँ डोरसल प्रोटीन वहाँ पर क्या है एमनियोसिरोसा की फॉर्मेशन करेगा यानी कि डोरसल प्रोटीन क्या एक मोरकोजन ग्रेडियंट की तरह काम कर रहा है पहले मीजोड्रम सबसे ज़्यादा में मीजोड्रम बन रही है फिर न्यूरोजेनिक न्यूरोजेिक्टटोड्रम फिर लेटरल एक्टोरम डोरसल एक्टोड्रम और इस तरीके से सबसे कम कंसन्ट्रेशन पे अमीनो सिरोसा की फॉर्मेशन करवा रहा है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ये सिग्नल फ्रॉम द फोलिकल सेल टू द दूसाइड साइटोप्लाज्म डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है इस एक्सपेरिमेंट से क्या है जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें दिखाई दे रहा है कि जो एम्ब्रियो है वो क्या है एक विल टाइप मदर से लिया है और नीचे वाले डायग्राम में क्या है एम्ब्रियो लोग कहाँ से लिए हैं जो डेफिशेंट टॉरपीडो जिनमें डेफिशेंट थी वहाँ से लिए गए हैं तो इनकी पोल सेल्स है वो क्या करते हैं इंटरचेंज कर दी जो जिल टाइप मदर था उसके अंदर क्या है टॉर्पीडो डेफिशेंट वाले की डाल दी और जो टॉर्पिडो डेफिशेंट था उसके अंदर क्या है जो विल टाइप था, था उसकी पोल सेल्स डाल दी तो क्या हुआ यानी कि हम क्या कह सकते हैं जो टॉर्पीडो डेफिशेंट जर्म सेल्स है किसके अंदर प्रजेंट है विल टाइप फीमेल के अंदर प्रजेंट है और विल टाइप जर्म सेल क्या है वो किसके अंदर प्रजेंट है टॉर्पिडो डेफिशेंट फीमेल के अंदर प्रेजेंट है तो अब रिजल्ट क्या निकला कॉन्क्लूजन क्या निकला कॉन्क्लूजन ये निकलेगा कि जो टॉर्पीडो जीन है वो मैटरनल फैक्टर है ये नहीं कि है कि जैगोटिक फैक्टर है यानी मैटरनल अगर वो प्रेजेंट है अगर वो विल टाइप मदर के अंदर कह लो हमें पोल सेल चेंज किए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका पहले ही क्या है अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या अपना इफेक्ट शो करेगा अगर पहले ही प्रेजेंट नहीं है टॉरपीडो जीन तो वो अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा ये कॉन्क्लूजन ये रिजल्ट निकलेगा तो क्या होगा पहले केस में जो टोरपिडो डाइफिसेंट वो साइट है किसके अंदर है वो विल टाइप फॉलिकल सेल में तो वो क्या करतेगा डोस डोरसल नॉर्मल डोरसल वेंट्रल एक्सिस की फॉर्मेशन कर देगा और सेकंड केस में क्या है डोरसल वेंट्रल एक्सिस की फॉर्मेशन नहीं होगी पूरा का पूरा एम्ब्रियो क्या हो जाएगा डोरसलाइज हो जाएगा डोरसलाज आए... पूरा एम्ब्रियो में डोरसल मिलेगा यानी कि पूरा का पूरा एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट अगर डोरसल प्रोटीन मिल रहा है वहाँ पर तो वेंट्रल पूरा का पूरा एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वेंट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा पहले केस में इसके अंदर टोरपिडो प्रेजेंट है पोल सेल ही चेंज किया है पोल सेल का कोई इफेक्ट नहीं है टोरपिडो मैटरनल मैटरनल फैक्टर तो है तो वहाँ वहीं से प्रेजेंट तो नॉर्मल डोरसेल वेंट्रल एक्सिस बनाएगा सेकंड केस में क्या है सेकंड में पहले ही मदर के अंदर क्या है टोरपिडो की डेफिशिएंसी थी तो मैटरनल फैक्टर नहीं उसको टोरपिडो नहीं दिया यानी कि पोल सेल ने चेंज किया उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ वहां पर क्या है डोरसेल वेंट्रल एक्सिस की फॉर्मेशन नहीं हुई पूरा का पूरा एम्ब्रियो क्या हो गया वेंट्रलाइज हो गया नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन first it is a question from june 2014 it was asked in c-section torpedo is a transmembrane receptor on the follicle cell that binds with the gurkan protein located in the presumptive dorsal surface of the oocyte and inhibit a cascade leading to the nuclear localization of the dorsal protein in an experiment drosophila gene line chimera were made by, by interchanging pole cells बिटवीन द वाइल टाइप एम्ब्रियो एंड एमब्रो फ्रॉम द मर होमोजाइगस हो रे म्यूटेशन ऑफ टॉर्पीडो जीन दज ट्रांसप्लांट प्रोड्यूस्ड पूरा पूरा वही एक्सपेरिमेंट दिया हुआ जो अभी रिसेंटली हमने पढ़ाया है वेल टाइप फीमेल हुज एग केम फ्रॉम द म्यूटेंट मदर एंड टॉर्पिडो डेफिशेंट फीमेल हुज एग केम फ्राम द विल टाइप मदर द पॉसिबल आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कैन भी जो अभी एक्सपेरिमेंट पढ़ा वही एक्सपेरिमेंट है इसके आउटकम पूछिए क्या आउटकम होगी ए टोर्पिडो डेफिशेंट एग डेवलप्ड इन विल टाइप ऑफ री नॉर्मल एम्ब्रियो कहाँ पे डाला गया है विल टाइप ओवरी के अंदर डाला गया है तो नॉर्मल एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेगा सही है स्टेटमेंट बी विल टाइप एग डेवलप्ड इन टॉर्पिडो डेफिसेंट ओवरी प्रोड्यूस्ड वेंट्रलाइज्ड एम्ब्रियो ये भी अभी देखा है हमने कि क्या है टोपिडो डेफिसेंट ओवरी के अंदर डाला गया है तो वो क्या है इससे लिया गया है और तो पूरा का पूरा एम्ब्रियो क्या हो जाएगा वेंट्रलाइज हो जाएगा ये भी राइट है सी स्टेटमेंट टोरपिडो डेफिसेंट एग डेवलप्ड इन विल टाइप ओवरी प्रोड्यूस्ड वेंट्रलाइज्ड एम्ब्रियो विल टाइप में डालने के बाद वेंट्रलाइज्ड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होगी जो पूरा डोर्सल वेंट्रल एक्सिस तो है वो स्पेसिफाई होगी तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है दिस स्टेटमेंट डोर्सल प्रोटीन एंटर्स इन द न्यूक् ऑफ डोर्सल साइड ऑफ एम्ब्रियो विच केम फ्रॉम द विल टाइप एग डेवलप्ड इन टॉर्पिडो डेफिशिएंट ओवरी डोर्सल प्रोटीन कहाँ से आई है जो विल टाइप टाइप एग थे वहाँ उसमें डेवलप हुई है और डोर्सल प्रोटीन कब जाएगी डोर्सल साइड पे जब क्या है वो टोर्पिडो डेफिशेंट ओवरी के अंदर डेवलप हो रही है तभी एंट्रलाइज हुआ ये स्टेटमेंट भी क्या है राइट right है स्टेटमेंट इन द डोसल साइड ऑफ द एम्बरियो विच केम फ्राम द वाइल्ड टाइप एग डेवलपड इन टोरपीडो डेफिशेंट ओवरी साइटोप्लाज्मिक नहीं रहेगी वो न्यूक्लियस तक चली जाएगी तो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है आंसर क्या हो जाएगा इसका ए बी और डी यानी कि ए विल बी इट्स आंसर ए बी एंड डी नेक्स्ट इज क्वेश्चन फ्रॉम दिसंबर टू थाउजेंड सेवेंटीन

टोर्पिटो गुरकन ही नहीं है तो क्या है रिसेप्टर एक्टिवेशन नहीं होगा फॉल्स है पाइप बी पाइप सिंथेसिस पाइप सिंथेसिस होगा क्यों होगा क्योंकि वेंट्रल साइड पे गुरकन की नीडी नहीं होती तो पाइप सिंथेसिस तो चलता है सी ऑफ प्रोटीज एक्टिविटी ये भी राइट है डी कैक्टस डिफोस्फेराइजेशन कैक्टस का डी फोस्फोराइलेशन नहीं कैक्टस का फॉस्फोराइलेशन होगा क्योंकि वहाँ पे जो पाइप प्रोटीन है वो सिंथेसाइज हुई है पूरा कास्केट चलेगा और कैक्टस क्या हो जाएगा, phosphorylate, phosphorylate जाएगा तभी फॉर्मेशन होगी और वही क्या एंट्री ऑफ डोर इन द्यूक्ट ब्लास्ट स्टेज है embryo, ये भी right तो आंसर क्या हो जाएगा बी सी और ई यानी डी विल बी इट्स आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन द जून टू थाउजेंड एटीन टॉर्पीडो इज नोन टू सर्व रिसेप्टर फॉर इन Torpedo gene in the dorsophila caused the ventralization of the embryo. In an experiment, the germ cell precursor from a wild type embryo were transplanted into the embryo whose mother carried the torpedo mutation. Also, the reverse experiment, that is, the transplantation of the germ cell precursor from the torpedo mutant into the wild type embryo, was done. The torpedo deficient germ cells developed in a wild type female showed the normal dorsal ventral axis, while the wild type germ cells developed in torpedo deficient females showed the ventralized egg. Some of the following statements are drawn from the above experiment and some. फ्रॉम द नॉन फैक्ट टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ़ टॉरपिडो वही एक्सपेरिमेंट है इंटरचेंज वाला जिसके अंदर होल सेल्स है वो इंटरचेंज की थी तो कौन कौन सी स्टेटमेंट राइट है इनमें से, से बतानी है पहली जाइगोटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ़ टॉरपिडो इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डोरसेल एक्सिस जयगोटिक एसेंशियल नहीं होता मेटरनल एसेंशियल तो फॉल्स है बी मेटरनल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉरपीडो एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ राइट है सी सिज टोरपीडो इज रिसेप्टर फॉर द गुरकन एंड फोिकल सेल इट द पार्ट ऑफ उस वेयर द गुरकन इज एक्सप्रेड इट इज लाइकली दैट द टॉरपिडो इज एक्सप्रेस इन द फोलिकल सेल्स राइट है टोरपीडो क्या होता है रिसेप्टर होता है गुरकन के लिए और यही एक्सप्रेस करता है फोलिकल सेल में डी गुरकन सिग्नलिंग इनिशियली डोसलाइज द फोलिकल सेल विच टर्न सिग्नल सैंड सिग्नल टू द ऑर्गेनाइज्ड द डोर्स ऑफ वेंटल पोलैरिटी इन द साइट। गुरकन प्रोटीन क्या करवा देता है डोरसेलाइज करवा देता है ये स्टेटमेंट भी राइट right है गुरकन सिग्नलिंग इनिशियली डोरसेलाइज द नर्स सेल विच हेल्प इन द जनरेशन ऑफ द डोरसेल वेंटल पोलैरिटी इन द साइट। नर्स सेल्स को डोरसलाइज नहीं करवाता वो जो पोलिकुलर सेल है उनको डोरसिलाइज करवाता है तो फॉल्स स्टेटमेंट ये भी आंसर क्या हो जाएगा इसका बी सी और डी यानी कि बी स्टेटमेंट विल बी इट्स आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन फ्रॉम जून टू थाउजेंड नाइनटीन

वेंटलाइजन करवा देगा सी गुरन इज एक्टिव ओनली इन साइट एंड एक्टिव ओनली इन द सोमैटिकोलिकल सेल ये भी राइट है डी द पाइप इज मेड इन द डोर्सल फॉलिकल सेल डोर्सल फोलिकल सेल में नहीं वेंट्रल सेल में बनता है पाइप प्रोटीन तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है ई द हाइस्ट कंसनट्रेशन ऑफ डोरसल इज इन द डोरसल सेल न्यूक्लियाई विच बिकम दिजोड्रम डोरसल सेल में नहीं वेंट्रल सेल में हाइस्ट कंसंट्रेशन होती है तो ये स्टेटमेंट भी क्या है फॉल्स है आंसर क्या हो जाएगा बी एंड सी यानी कि थर्ड है इसका आंसर हो जाएगा तुम एक नोट्स डाउनलोड द पी डी एफ ऑफ टू डेज टॉपिक लिंक इज प्रोवाइडेड इन